नमस्कार, खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कल्पना। पेश करते हैं अब तक की बड़ी खबरें। सबसे पहले खबरें महानगर की। माकपा ने उम्मीदवारों की सूची जारी की, पर कांग्रेस व आईएसएफ के लिए भी खोले रखे रास्ते। 2021 कोलकाता कॉर्पोरेशन प्रार्थी तालिका बाम फ्रंटे। एक नम्बर वार्डे सीपीआईएम प्रार्थी पल्लव मुखार्जी कम बयसी छे। नूतन दो नम्बर वार्डे सीपीआईएम प्रार्थी देवलीना सरकार महिला। तीन नम्बर वार्डे नमिता दास सीपीआईएम प्रार्थी। चार नम्बर वार्डे सीपीआईएम प्रार्थी कानाईलाल पोद्दार उन्नी आगे छें। एक पाँच नम्बर वार्डे सीपीआईएम प्रार्थी रमेश पांडे। छ नम्बर वार्डे सीपीआई एर प्रार्थी देवार कथा ठीक हो आजकल मध्य फाइनल बोल। सीपीआई सात नम्बर वार्डे सीपीआईएम प्रार्थी महान तापस कुंडू। आठ नम्बर वार्डे सीपीआईएम प्रार्थी माधव बोस। न नम्बर वार्डे सीपीआईएम प्रार्थी दीपिका भट्टाचार्य। दस नम्बर वार्डे सीपीआई एर प्रार्थी सबाई चेनें करुणा सेनगुप्त। बयस अनेक हवा सत्त्वेओ तार जनप्रियतार कारणे आमरा ताके आबारो प्रार्थी करेछि। बंगाल समेत पूर्वोत्तर में आज सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके, रेक्टर स्केल पर 6.1 रही तीव्रता। दिलीप घोष ने साधा निशाना, कहा राज्य सरकार के निर्देश पर काम कर रहा राज्य चुनाव आयोग। किछु पलटाच्छे दुनिया, एटाओ पलटाच्छे। एखन टीएमसी काछे एटा कम्पल्शन, जे करे होक कलकाता जितते हबे। सेन एदिके कोर्टे केस चलछे, हियारिंग होच्छे, आर इलेक्शन कमिशन के दिए एदिके घोषणाओ होये गेछे। राज्य इलेक्शन कमिशन तो राज्य सरकार चालाय, से जेमन तादेर इच्छा मतो होच्छे, जेटा चाइछेन ओटा होच्छे, जखन चाइछेन तखन होच्छे। एटा निये सबाई चिंतित, ताले कोर्ट काछारी आर प्रश्न कि थाकलो। गतबारे बाई इलेक्शने अर्धेक केन होच्छे बोले अनेके कोर्टे गेछिलेन। कोर्ट बोललो जे इलेक्शन घोषणा होये गेछे, आमादेर किछु करार नेई। एखन इलेक्शन घोषणा होवार आगे लोके कोर्टे गेछेन, तारपरेओ कोर्टेर हियारिं होते होते आबार डेट घोषणा होये गेलो दिनक्षण। এমনকি এত তাড়াহুড়ো গন্ডগোল হবে আমরা জানি, রিপোলিং এর জন্য বোধহয় সময় রাখাই হয়নি। ওয়ার্ড 45 কে কংগ্রেস প্রার্থী সন্তোষ পাঠক নে শুরু কিয়া দেওয়ার লেখন। महानगर में 45 लाख रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले में कोलकाता पुलिस ने कुख्यात शेख विनोद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्त को खड़गपुर से पकड़ा है। केएमसी चुनाव, मतदान प्रचार को रोकने की समय सीमा मतदान के दिन से 72 घंटे पहले की बताई गई थी। हालांकि अब ये कहा गया है कि मतदान के दिन से 48 घंटे पहले प्रचार समाप्त होगा। जिलों से जुड़ी खबरों पर एक नजर। अलीपुर द्वार के फालाकाटा थाना क्षेत्र में नशे के हालत में पति ने पहले की मारपीट, फिर पत्नी को उतारा मौत के घाट, गिरफ्तार। खबर दिलो গাড়িতে নিয়ে ব্যবস্থা করবো, তারও বুদ্ধি নাই, তখন আর কি করবো, রাত্রিতে পয়েতে পয়েতে গেলাম। হাওড়া সড়কো কো ভ্যাট ফ্রি বানানে মে জুটা নিগম। केंद्र सरकार के जन विरोधी नीति के खिलाफ SUCI की ओर से निकाली गई रैली। सिलीगुड़ी में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत के बाद सुबह सड़क पर बोल्डर फेंक किया गया प्रदर्शन। देश दुनिया की खबरों पर एक नजर। उधमपुर से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जा रही ट्रेन की 4 बोगियों में आग। मध्य प्रदेश में मुरैना के पास हुआ हादसा। तलाक के बाद बाइसेक्सुअल बनी सामंता प्रभु, नागार्जुना की एक्स बहू का नया ऐलान। अब रुक करते हैं धार्मिक खबरों की ओर। कल भैरव अष्टमी पर्व है। यह दिन भगवान भैरव और उनके सभी रूपों के समर्पित होता है। भगवान भैरव को भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है।
मान्यता है कि भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव की पूजा उपासना करने से भय और अवसाद का अंत होता है और किसी भी कार्य में आ रही बाधा समाप्त होती है। कहते हैं कि भगवान शिव के किसी भी मंदिर में पूजा करने के बाद भैरव मंदिर में जाना अनिवार्य होता है, वरना भगवान शिव का दर्शन अधूरा माना जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं रात 11 बजे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार।